तो और भाई लोग क्या चाल है यार। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा भाई जोमेटो में ज़्यादा ऑर्डर कैसे करें, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि भाई कोई बंदे बोल रहे भाई तू जोमेटो में इतने ऑर्डर नहीं हो रहे, तो कोई बोल रहा है ज़्यादा हो रहे हैं, कोई बोल रहे भाई तू लॉकडाउन में काम करके देख ये हो रहा है, मैसेज काफ़ी मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बता दूँ जोमेटो में ऑर्डर ज़्यादा कैसे करें, उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ठीक है, कि ये वीडियो सिर्फ लॉकडाउन खुलने के बाद है। जो अपने जोमेटो का पुराना टाइम हो जाए ना वापस पहले वाला टाइम, जैसे रात की सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे 2 बजे तक काम होता था, उस समय की बात है, ना कि अभी लॉकडाउन की। अभी लॉकडाउन में कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कभी 10 भी हो सकते हैं तो कभी 20 भी हो सकते हैं, लॉकडाउन की कोई गारंटी नहीं कितने ऑर्डर आए कितने नहीं आए। जब लॉकडाउन खुल जाए ना तब की बात कर रहा हूँ, जैसे 1 महीने के बाद। और अभी लॉकडाउन में मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा भाई तू ज्वाइनिंग कर चाहे मत कर, अब मेन टॉपिक है भाई जोमेटो में ज़्यादा ऑर्डर कैसे करें, ठीक है। तो उसकी मैं आपको 5 ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको शायद कोई भी यूट्यूबर चाहे कोई भी बंदा कोई भी देने दे पाएगा, सिर्फ ये जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। और जो भी 5 चीज आपको चाहे सुन के हंसी भी आएगा भाई, ऐसी ऐसा करने से ऑर्डर ज़्यादा थोड़ी आएंगे। और मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक दे दिखो, उससे पहले आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने एक दिन में आप बोलते हैं 20 ऑर्डर नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये देखो ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये क्या 29 ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये भाई एक दिन में मैं 29 ऑर्डर कर सकता हूँ, तो 20 ऑर्डर करनी कौन सी बड़ी बात है। मैं डेली 20 ऑर्डर करता था भाई, डेली 20 ऑर्डर, 16 ऑर्डर तो नॉर्मल चीज़ है, और मेहनत की है ना तो 20 क्या 25 ऑर्डर भी होते हैं। तो ऑर्डर कैसे होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो नंबर वन पे आपको क्या करना, ठीक है। एक तो सुबह फिक्स टाइम रख दो, या तो आप 12 बजे जा रहे हो तो रात के 12 बजे तक काम करो, या 12 बजे जा रहे हो नाइट के 10 बजे तक काम करो, फिक्स टाइम रखो डेली का भाई इतना घंटा, 12 घंटे मिनिमम कंपनी को अपने को 12 घंटे देना जरूरी है। फुल टाइम में करते हो तो, और पार्ट टाइम करते हो, पार्ट टाइम के मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ठीक है। अब फुल टाइम की जो मैं जॉब करता हूँ उस जॉब की बात करता हूँ, ठीक है। 20 ऑर्डर कैसे कम्प्लीट होता है, ठीक है, उसकी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आप जो अगर 8 बजे जाते हो तो वो टाइम रखो, फिक्स टाइम रखो, जो भी कंपनी का स्टार राइट बनना था फिक्स टाइम रखो, 8 बजे जाएंगे तो सुबह नाइट की 8 बजे छुट्टी करना, सुबह 12 बजे जाएंगे तो शाम को 12 बजे छुट्टी रखना, और दिन में आपको ब्रेक लेना है तो सुबह जल्दी जाओ, ब्रेक नहीं लेना तो एक ही टाइम रखो, बीच में लॉगिन लॉग आउट नहीं होने का, पूरा दिन सिर्फ 7 दिन करके देख लो, 7 दिन तक आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, 8वें दिन आपको ऑर्डर अच्छे से अच्छे ऑर्डर आने से लग जाएंगे, ठीक है। पहली ट्रिक तो ये, और दूसरी ट्रिक है रेटिंग की, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में कि आपको रेटिंग बढ़ानी है कस्टमर की, कस्टमर के पास आप जैसे ही जाए तब कस्टमर से रेटिंग लेना। आपको कोई बंदे भाई नए नए ज्वाइनिंग होते हैं या पुराने बंदे जो भी है, वो कस्टमर से रेटिंग लेना बोले 5 रुपये के चक्कर में क्या रेटिंग मांगे भिखारी की तरफ, भाई वो भिखारी की बात अलग है। रेटिंग लेने से क्या होता है, आपकी ऑर्डर आईडी ऊपर की साइड में आती है, जैसे रैंकिंग होता है ना आपको जोमेटो ऐप में पता होगा रैंकिंग 1st 2nd 3rd, वो रैंकिंग हिसाब से आपको रेटिंग ऊपर की साइड में लाना है। हर कस्टमर जाओ रेटिंग, आप बोलते रेटिंग कैसे लेना कस्टमर से, रेटिंग कोई कस्टमर देता नहीं भाई, मैं 20 ऑर्डर करता हूँ ना तो 20 में से 18 रेटिंग मेरी होती है, 2 रेटिंग नहीं होती, क्योंकि 2 रेटिंग में कस्टमर से लड़ी हो जाती, झगड़ा हो जाता है, इसलिए मैं कस्टमर से रेटिंग लेता। बाकी 20 ऑर्डर किए तो 20 में से 18 रेटिंग में गारंटी साथ लेता हूँ, और रेटिंग कैसे लेना वो भी आपको स्कीम बता दूँ, ठीक है। कस्टमर से भाई जैसे ऑर्डर देने से पहले बोलते सर रेटिंग कर दो, बोले ठीक है जैसे कर लेंगे फर्स्ट बात, और बोले हाँ ठीक है बाद में कर दूंगा, सर बाद में नहीं करो अभी कर दो, क्योंकि मेरी आप रेटिंग करेंगे मेरा दिन में ऑर्डर अच्छा आएंगे, कुछ भी बहाना बना दो कस्टमर से, बहुत सब कुछ भी आपके हिसाब से मन में जो भी अंतर्गत कहानी है जो भी बोल के कस्टमर से रेटिंग ले लो, बस मेन तो आपको रेटिंग चाहिए। रेटिंग से 2 फायदे होंगे, एक तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो पेट्रोल का खर्चा भी निकलेगा, और दूसरी बात आपको ऑर्डर भी ज़्यादा अच्छा आएंगे। 2 ट्रिक हो गई, ठीक है। नंबर 3 तीसरी ट्रिक में आपको क्या करना है भाई, आपको ऑर्डर की टाइम बचत करनी है। जैसे टाइम बचत का मतलब क्या है, ऑर्डर आपके पास आ जाए तो आपके समय चाय पी रहे कॉफ़ी पी रहे जो भी एक्स वाई जेड पी रहे, चाय कॉफ़ी सबको गोली मारो, पहले ऑर्डर कंप्लीट करो, ऑर्डर कंप्लीट कर, अगर आप जितने जल्दी टाइम में ऑर्डर कंप्लीट करेंगे ना उतना दूसरा ऑर्डर आपको जल्दी आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ये, अब भाई कोई बोलते ऑर्डर हाथ में आया हो, कोई चाय पी रहा है, कोई मजा कर रहा है, कोई दोस्तों से बात कर रहा है, ऑर्डर हाथ में लिया, बोले आराम से देंगे कस्टमर को, क्या टेंशन है भाई, उसमें टेंशन किसी की बात नहीं, कंपनी वाला सब देखता है लोकेशन के भाई आपको कस्टमर को टाइम पर ऑर्डर दे रहे कि नहीं दे रहे उस रहे, और शाम के समय वही आपको 1 घंटा रहेगा, फिर रिस्ट्यू कम मिल जाएगा, फिर भी 18 ऑर्डर किए 1 ऑर्डर कम पड़ गया तो उसी में भी लपड़ा, इसलिए बोलो ऑर्डर हाथ में आते हैं तो अगर आप चाय पी रहे हो तो उसको पी के खत्म करो, क्योंकि फालतू का ऑर्डर हाथ में आते टाइम पास मत करो, बिल्कुल ऑर्डर कंप्लीट करो, जब फ्री टाइम हो तो फिर आपको जो भी बात करनी है करो, टाइम पास करो, मजा करो, एंजॉय करो, ठीक है। तीसरी ट्रिक तो ये हो गई, ठीक है। अब चौथी ट्रिक में क्या करना, आपको सुबह टाइमिंग है एकदम स्पेशल टाइमिंग बता दूँ, जो टाइमिंग मैं करता हूँ, ठीक है, मेरा टाइमिंग हिसाब से आपको चौथी ट्रिक का टाइमिंग बताऊंगा, ठीक है। आपको सुबह 8 बजे जाना है, 9 बजे काम पे चले जाना, क्यों, दोपहर में ऑर्डर आते नहीं है, सुबह सुबह ऑर्डर आते हैं, सुबह सुबह राइडर कम रहता है, इसलिए आपको ऑर्डर हाथ में आ जाएगा, सुबह सुबह जल्दी राइडर कोई भी नहीं जाता, ठीक है।
तो सुबह क्या करना, 8 या 9 बजे, 9 बजे आप लॉग इन हो जाओ, 12-1 बजे तक काम करो, बस 8 से 12-1 बजे तक काम को आप 10-11 ऑर्डर सुबह सुबह कर लेंगे, ठीक है। आप कोई विश्वास नहीं करेगा भाई, ऐसा थोड़ी होता भाई, होता है सुबह सुबह जितने और ज़्यादा ऑर्डर आते हैं ना, ऑर्डर तो वही आते हैं, पर क्या सुबह सुबह राइडर कम होते हैं, सुबह सुबह इतने जल्दी पर काम पे आते नहीं, और आप पहले जाएंगे तो आप 3-4-5 राइडर होते हैं तो उनको ऑर्डर आ जाते हैं। तो सुबह सुबह अगर अच्छे से सुबह सुबह जल्दी उठ के जाएंगे ना, तो 12 बजे तक आप 10 ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ 10 ऑर्डर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दूसरा मेरे को कुछ पता नहीं, ठीक है। तो सुबह 12 बजे 10 ऑर्डर वो हो गया, उसके बाद 4 बजे तक रेस्ट करो, 4 घंटे का रेस्ट करो दिन में। सुबह सुबह रेस्ट नहीं किया, सुबह सुबह रेस्ट को गोली मारो, सुबह 12-1 बजे वापस आ जाओ घर पे, रेस्ट करो 4 बजे तक, और 4 बजे के वापस काम पे लग जाओ, वापस जाओ ऑर्डर पे करने, और 4 बजे से 6 बजे तक आराम से आपको जो करना टाइम पास करो, ऑर्डर नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, 6 बजे तक पहले आपको जो भी करना, चाय पानी नाश्ता जो भी करना कर लो, 6 बजे के बाद पूरा फ्री हो जाओ, पेट्रोल वेट्रोल भरा कर पूरा गाड़ी एकदम रेडी रेट ओके कर दो, ठीक है। 6 बजे के बाद ऑर्डर आते हैं, आपको सबको छोड़ के ऑर्डर पे ऑर्डर करना, ठीक है। आप बोले ऑर्डर नहीं आ रहा भाई, 7 दिन तक मैं जो ट्रिक दी ना वो ट्रिक यूज करो, 7वें दिन आपको ऑर्डर पे जरूर आएंगे, और 20 ऑर्डर करना कोई नॉर्मल बात नहीं भाई, इतनी ट्रिक की ना तो 29 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं भाई, 20 ऑर्डर तो बहुत बड़ी बात है, 29 ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और रात की 12 बजे तक करो, 12 बजे तक आराम से हो जाएंगे। और 5वीं ट्रिक मेन ट्रिक, ठीक है। मेन ट्रिक में क्या होता है, 5वीं ट्रिक लास्ट ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे 24 ऑर्डर हुए या 20 ऑर्डर हुए या 10 हुए या 12 हुए, जो इंस्टीट्यूट का ऑर्डर होता है ना लास्ट में, जैसे 12 बजे के बाद 12:01 पे जो ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर आपको उसमें जुड़ता नहीं, अगले दिन में जुड़ जाता है। उसमें क्या करना, जैसे मतलब आपको क्या बोल दूँ, 12 एक ऑर्डर आपका कम पड़ गया लास्ट में, तो इंस्टीट्यूट वो पूरा 90 या 100 रुपये चले जाते हैं कि भाई एक ऑर्डर कम पड़ गया, या एक टच पॉइंट कम पड़ गया, आपको समझते हैं एक टच पॉइंट की कीमत क्या होती है, तो एक टच पॉइंट कम पड़ गया। उसमें आपको एक बड़ी ट्रिक बताऊँ, ठीक है। उसमें क्या करना, जब भी आपके पास कोई लॉन्ग लंबा ऑर्डर आए दिन में आए, तो दिन में आपको कितना भी लंबा हो चाहे कितना भी खड़ूस ऑर्डर आओ, उसको आप कैंसिल नहीं करना, शाम को उस ऑर्डर को बचा के रखना, ठीक है। अब उसमें क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपको 12 बजने से मतलब आपको 10 मिनट आधा घंटा 11:30 बज गए, ठीक है, 11:30 बज गए, आपके पास 2 ऑर्डर कम पड़ रहे हैं 24 में या 20 में, जिसमें आपको यूज लग रहा है मेरे 2 ऑर्डर कम पड़ रहे हैं इंस्टेंट मिलने में, ठीक है। तो उसमें क्या, जैसे एक लंबा ऑर्डर आ गया या फिर मल्टी ऑर्डर आ गया, तो मल्टी में एक ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं आप, उसमें वो सिस्टम है, ठीक है। और दो ऑर्डर, एक लंबा ऑर्डर आ गया उसको कंप्लीट करने में 1 घंटा या आधा घंटा लग जाएगा, तो उसमें क्या करो, एक ऑर्डर को जो लंबा वाला उसको कैंसिल कर दो, नज़दीक 2 ऑर्डर जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। यही 5वीं ट्रिक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो जोमेटो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख के जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा गुड बाय।